कंगाली में आटा गीला, ये तो सुना ही होगा, लेकिन अब कंगाली में आटा महंगा हो गया। जी हाँ, सही सुना आपने। अब इस महंगाई के दौर में केंद्र की मोदी सरकार ने सभी तरीके के पैक आटा, दाल, चावल, अनाज, दही, लस्सी और अन्य खाद्य पदार्थों पर 5% GST लागू कर दी है, जिसके बाद सूबे की अशोक गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ऐलान जंग कर दी। खाचरियावास ने कहा कि पेट्रोल और डीजल से पहले ही हर चीज़ महंगी हो गई है, महंगाई के सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं, लिहाजा अब सड़कों पर उतर के ही संघर्ष करना होगा। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा पाप कर दिया। महंगाई से, बेरोजगारी से पूरा देश परेशान है, त्रस्त है। रोज रोटी चाहिए आदमी को। जब आप रोटी पे ही टैक्स लगा दोगे तो लोग जिएंगे कैसे? इतना बड़ा पाप हो गया आटे पर, दाल पर, चावल पर, मैदे पर, सूजी पर, मखाने होते हैं जो प्रसाद में चढ़ाते हैं, मखाने पर, मुरमुरे पर, गुड़ पर 5% GST लगा दी केंद्र की सरकार ने। और तब लगा दी जब पहले से ही महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोगों को मारोगे क्या? समाज में दो तरह के लोग हैं। रोज सुबह आदमी जल्दी उठता है, एक वो है जो अपने पेट पे हाथ लगा के सुबह दौड़ लगाता है, पेट कम करने के लिए दौड़ता है, पूरे दिन सुबह जल्दी उठ के दौड़ता है। लेकिन एक दूसरा आदमी है जो सिर्फ सुबह नहीं दौड़ता, जल्दी उठता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के पेट की तरफ देखता है, सुबह जल्दी से लेकर रात तक उनका पेट भरने के लिए दौड़ता है। उनको भूल गए, उनको मतलब ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। आज़ादी के बाद पहली बार आटे पर टैक्स लगा है। पंडित नेहरू से लेकर, इंदिरा जी से लेकर, अटल बिहारी वाजपेयी तक, राजीव गांधी जी से लेकर नरसिम्हा राव जी तक, खुद बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी आटे पर कभी टैक्स नहीं लगाया। ये जो भक्त बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भूख से मर जाएंगे, गरीबी से मर जाएंगे, पेट्रोल डीजल 1000 रुपये, उनको अलग से कर दो, लाइन लगा दो, लेकिन ये पाप तो हद हो गई। रोज मजदूर को, गरीब को, मीडियम क्लास को आटा चाहिए। आटे पर 5% GST किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं हो सकती। जब आप GST लगा रहे थे, लागू कर रहे थे, तब आपने लागू क्यों नहीं की? क्योंकि पूरे देश में बड़ा विरोध हो सकता था। अचानक से आपने लागू कर दी, आपने पहले पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर महंगा किया, 450 का सिलेंडर 1000 पर पहुंचा दिया आपने, पेट्रोल डीजल आप 100 के पार ले गए, आपने ओरिजिनल एक्साइज ड्यूटी के ऊपर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी से सब लगा दिया आपने। लेकिन आपने पेट्रोल डीजल महंगा करके हर चीज़ पहले ही महंगी कर दी। आप पेट्रोल डीजल से 25 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार बीजेपी की कमा चुकी है, अब आप किस बात का टैक्स लगा रहे हो? हर चीज़ पर टैक्स, पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लग रहा है वो वैसे ही आटे, दाल, चावल, गुड़ को महंगा कर रहा है। अब आप उधर भी टैक्स लगा रहे हो और इधर भी टैक्स लगा रहे हो, मारोगे क्या लोगों को? मर जाएंगे लोग भूख से। 15 लाख लाऊंगा, अच्छे 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो जाएगा, भाइयों बहनों चिंता मत करो। अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई, महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।